हेलो फ्रेंड, टेक विद मनीष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं मनीष कुमार चंद्रा और आज का टॉपिक है एलईडी बल्ब रिपेयर। और आप देख सकते हैं मेरे पास एक एलईडी बल्ब रिपेयर के लिए आया हुआ है, जो कि यह लुमा प्रो कंपनी का है और 12 वाट का है। इस बल्ब में क्या प्रॉब्लम है सबसे पहले देख लेते हैं। यह एलईडी बल्ब लुमा प्रो कंपनी का है और 12 वाट का है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। देखते हैं कि इस बल्ब में क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसको स्विच बोर्ड में लगाकर चेक कर लेते हैं। ये हमारा एक सीरीज बोर्ड है जो कि मैंने बनाया है, इसी होल्डर में लगाकर चेक करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये स्विच बोर्ड ओके है कि नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये स्विच बोर्ड ओके कंडीशन में है। इसी होल्डर में लगाकर चेक करते हैं बल्ब को। इसको सबसे पहले निकाल लेते हैं। अब जो रिपेयर करेंगे उसी बल्ब को लगाकर चेक करते हैं। मैंने इस बल्ब को होल्डर में लगा लिया है। अब स्विच को ऑन करके देखते हैं। मैंने स्विच को ऑन कर लिया है तो ये कोई भी रिस्पांस नहीं दे पा रहा है। देखते हैं कि किस में प्रॉब्लम है। MCPCB एलईडी किट में प्रॉब्लम है कि ड्राइवर सर्किट में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इस बल्ब के डिफ्यूजर को खोलकर चेक करते हैं। इस बल्ब के डिफ्यूजर को खोल लेते हैं, उसके बाद चेक करके देखते हैं। मैंने इस एलईडी बल्ब के डिफ्यूजर को खोल लिया है। ये हमारा इसका MCPCB एलईडी किट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसमें टोटल 14 SMD एलईडी लगा हुआ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और यह हमारा 12 वाट का MCPCB एलईडी किट है। इसको फिर से होल्डर में लगाकर इसका ड्राइवर सर्किट का आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं। मैंने इसको होल्डर में लगा लिया है। अब स्विच को ऑन करके देखते हैं। अब इसके बाद मल्टीमीटर से इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करते हैं, कितना वोल्टेज आ रहा है ड्राइवर सर्किट में। ये हमारा एक मल्टीमीटर है। तो आउटपुट वोल्टेज चेक करने के लिए सबसे पहले मल्टीमीटर को DC रेंज में 200 वोल्ट में सेट करेंगे, उसके बाद इसका आउटपुट वोल्टेज चेक कर पाएंगे। मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को इस ड्राइवर सर्किट के वायर में लगाएंगे, जो प्लस वायर है वो रेड वायर को और जो माइनस का पॉइंट है वो ब्लैक वायर को। मैंने दोनों प्रोब को लगा लिया है। अब स्विच को ऑन करके देखते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है मल्टीमीटर में। ये मैंने स्विच को ऑन कर लिया है तो आप देख सकते हैं इसमें करीब करीब 16-18 के आसपास इसका वोल्टेज आ रहा है। इस ड्राइवर सर्किट में 20 वोल्ट से नीचे की वोल्ट आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 17-18-16-15-19 के आसपास इसका वोल्टेज शो कर रहा है और यह काफी लो वोल्टेज शो कर रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसका मतलब है कि इसका ड्राइवर सर्किट खराब है और MCPCB एलईडी किट ओके कंडीशन में है। आप इसका ड्राइवर सर्किट को रिपेयर करते हैं। आप देख सकते हैं इसके ड्राइवर सर्किट में क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण लो वोल्टेज का प्रॉब्लम आ रहा है। तो सबसे पहले इस एलईडी बल्ब के हाउसिंग से
इस ड्राइवर सर्किट को रिमूव करेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह आई का आपको दिख रहा होगा सोल्डरिंग आयरन। इसको सोल्डरिंग आयरन को रिमूव करेंगे, हटाएंगे सोल्डर को, उसके बाद ड्राइवर सर्किट निकल जाएगा। उसके बाद रिपेयर करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो सोल्डरिंग आयरन के मदद से इस आई को हटा लेते हैं, उसके बाद ड्राइवर सर्किट को निकाल लेते हैं। मैं आपको फटाफट इस ड्राइवर सर्किट को निकाल लेते हैं, उसके बाद चेक करके देखते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने ड्राइवर सर्किट को निकाल लिया है एलईडी बल्ब के हाउसिंग से। अब देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इसका ड्राइवर आईसी खराब है, जिसके कारण इस एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट खराब हो चुका है और लो वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, जिसके कारण MCPCB एलईडी किट को जला नहीं पा रहा है। इसमें 7 पिन के आईसी है और खराब हो चुका है। मैंने मल्टीमीटर से चेक किया तो और यह ड्राइवर सर्किट रिपेयर नहीं हो सकता। अगर आईसी खराब है तो रिपेयर नहीं हो सकता, और अदर कंपोनेंट खराब होता तो ये रिपेयर हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करके सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहुंचे। धन्यवाद।